उपस्थित रेलवे बोर्ड के सीआरबी मेंबर्स, जनरल मैनेजर्स, सभी के सभी ऑफिसर्स, आप सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई। इतना शानदार आपका परफॉर्मेंस, और आज उस परफॉर्मेंस का इस शानदार भव्य समारोह में सबको रिकग्नाइज किया गया, तो सबसे पहले सबके लिए जोर से ताली बजाओ। आप सब देख ही रहे हो किस तरह से रेलवे का एकदम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है। अगर लास्ट ईयर के ट्रैक कंस्ट्रक्शन की बात देखें तो मेरे ख्याल से फिल्म में था, एक साल में आपने पूरा ऑस्ट्रिया या पूरा स्विट्जरलैंड जोड़ा है भारतीय रेल के नेटवर्क में। और देश का जो एक्सपेक्टेशन है रेलवे से, वो आज एक्सपेक्टेशन पूरी तरह से पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के कई भाषणों में, कई वक्तव्यों में बार बार एक दो तीन शब्द आए कि रेलवे का ये गोल्डन पीरियड चालू हो रहा है। दोस्तों, 16 दिसंबर को पब्लिश की गई टाइम्स ऑफ मराठी की लेटेस्ट रिपोर्ट में स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस की काफी बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। हालांकि यह मराठी वर्जन की आर्टिकल है, और जब हमने इसे हिंदी में अपडेट किया तो इसमें पहली स्लीपर वंदे भारत की पहली रूट के बारे में बताया गया है। साथ ही कितने स्लीपर वंदे भारत अभी बन रही है और कब तक इसे लॉन्च किया जा सकता है, कब दिखेगी हमारी पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस, इन सभी टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे। तो अभी से वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने पूरे भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा शुरू कर दी है। वंदे भारत ट्रेन मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत बनाई गई थी और ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। तो वहीं वंदे भारत की सफलता के बाद अब लंबी दूरी के लिए भी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। जहां पहले भी ऐलान किया गया था कि 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी, और इसके लिए ट्रैक अपग्रेड का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। क्योंकि अब तक जो हमारी सिग्नलिंग सिस्टम थी और हमारे रेलवे ट्रैक थे, वे 180 किलोमीटर की रफ्तार को नहीं झेल सकते हैं, और जो स्लीपर वंदे भारत आने वाली है उसकी रफ्तार अप टू 200 किलोमीटर पर आवर होने वाली है। तो इसके लिए इसे अपग्रेड करना अधिक जरूरी है। दोस्तों, रेलवे अगले 4 साल में देश में कुल 400 वंदे भारत ट्रेन चलाना चाहता है। हालांकि हाल ही में हमारे स्लीपर वंदे भारत की डिजाइन को तय किया गया है और इस पे जोरों शोरों से काम शुरू भी कर दिया गया है। जी हां, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत बनने वाली वंदे भारत के स्लीपर कोच पे काम चल रहा है। इस ट्रेन का प्रोटोटाइप इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ही बनाया जा रहा है, और इसी साल के अंत तक इसके पहले प्रोटोटाइप की झलक देखने को मिल जाएगी, जिससे कि 2024 में मार्च या फरवरी तक लॉन्च करने की संभावना है। आईसीएफ ने 86 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का ठेका दे दिया है, जिनमें से 9 ट्रेन सेट स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। बाकी अन्य 240 वंदे भारत स्लीपर वर्जन की ट्रेनों के लिए जल्द ही आईसीएफ द्वारा टेंडर जारी किया जाएगा। दोस्तों, बात करें भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस के पहले रूट की, तो इसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि पहली वंदे भारत ट्रेन मुंबई दिल्ली रेल लाइन पे ही चलाई जा सकती है। दोस्तों, मुंबई दिल्ली यात्रा के समय को कम करने के लिए मिशन रफ्तार की परियोजना 2017-18 में मंजूरी दी गई थी, और इस पे काम शुरू भी हो गया है। मिशन रफ्तार के कारण दिल्ली मुंबई के बीच की यात्रा के समय को 16 घंटे से कम करके 12 घंटे करने का प्रयास किया जा रहा है, और यहां वंदे भारत के चेयर कार वाली वर्जन के साथ साथ स्लीपर वंदे भारत और वंदे मेट्रो भी चलाना शामिल है। मुंबई रेल विकास निगम EMU लोकल ट्रेनों के बजाय यहां वंदे मेट्रो संस्करण चाहती है। मिशन स्पीड की बात करें तो मुंबई दिल्ली रेलवे ट्रैक पे हाई स्पीड ट्रेन दौड़ेगी। ट्रैक को मजबूत किया जाएगा, ब्रिज को मजबूत किया जाएगा, पूरे रूट पे कवर सिस्टम लगाया जाएगा, और दोनों तरफ बाड़ भी लगाई जाएगी ताकि पूरी तरह से सुरक्षित स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस को दौड़ाया जा सके। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे अपने स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, नीचे हमें कमेंट कर दीजिएगा, और जाते हुए एक छोटे से क्लिक से चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।